मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 49 और आज है दिनांक 31 अगस्त 2020 और आज की हमारी एक्टिविटी का नाम है खेल खेल में तोलना सीखें। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में हमें क्या करना है। एक दिन गोविंद की मम्मी ने उसे बाजार से 4 किलो चावल लाने को कहा। वह दुकान पर गया तो उसने देखा कि दुकानदार के पास तोलने के लिए लोहे के बाट हैं। बच्चों, आप जब कभी बाज़ार गए होंगे तो आपने भी इस तरह के लोहे के बाट देखे होंगे। उससे जो भी जितना सामान लेना चाहता है, दुकानदार तराजू के एक पलड़े से में उतने भार का बाट रख देता और दूसरे पलड़े में उस बाट के वजन के बराबर का सामान रखकर तोल देता। गोविंद ने देखा कि दुकानदार के पास 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो के बाट तो हैं, लेकिन 4 किलो चावल तोलने के लिए 4 किलो का बाट तो है ही नहीं। तो बच्चों, आपने देखा गोविंद क्या लेने गया था? वो गया था 4 किलो चावल लेने और उसने क्या देखा कि दुकानदार के पास ना 1 किलो का, 2 किलो का बाट और 5 किलो का बाट और 10 किलो का बाट तो है, लेकिन उसे जितने चावल चाहिए 4 किलो, उसके पास तो उसका बाट है ही नहीं। तो वो सोचने लगा कि भाई अब ये कैसे मुझे चावल देगा, है ना? तो देखते हैं आगे। उसने दुकानदार से पूछा कि वह उसे 4 किलो चावल कैसे देगा। क्या वह चावल को 2 किलो के बाद से 2 बार तोलेगा या 1 किलो के बाट से 4 बार। उसने दुकानदार से पूछा कि क्या आप मुझे 2 बार 2-2 किलो के चावल नाप कर दोगे या फिर 1 किलो के बाट का इस्तेमाल 4 बार करके दोगे। तो दुकानदार ने उसे बताया कि यही तो जादू है कि उसके पास जो भी बाट हैं उनका प्रयोग करके वह एक ही बार में 1 से 18 किलो तक का वज़न तोल सकता है, चाहे उससे कोई भी वज़न तुलवा लो। उसने गोविंद को 4 किलो चावल एक बार में ही तोल कर दे दिए और गोविंद सोचता रहा। तो बच्चों, दुकानदार ने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मैं एक ही बार में तोल सकता हूँ और 18 किलो तक का कोई भी वज़न मैं तोल सकता हूँ। बच्चों, दुकानदार के पास 1 किलो का एक ही बाट था, मतलब ये हर जैसे 2 किलो का एक ही बाट था, 5 का भी एक ही और 10 का भी एक ही, मतलब उसके पास 4 बाट थे, ठीक है। और बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे, किलो को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, kg, ठीक है। तो आप जहाँ भी kg लिखा देखेंगे उसका मतलब है किलो, ठीक है। तो चलो अब हम प्रश्न करते हैं और जानते हैं कि दुकानदार ने कैसे तोला होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे। दुकानदार ने एक ही बार में 4 किलो चावल तोलने के लिए किस किस वज़न के बाट का इस्तेमाल किया होगा? उसने इसके लिए क्या तरकीब लगाई होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। बच्चों, पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा ना कि हम तराजू में तोलते कैसे हैं, है ना? क्या आप जानते हैं? बच्चों देखो, जैसे ये है तराजू, है ना, तो इसमें अगर मान लो हमें आलू तोलने हैं 2 किलो, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमें 2 किलो आलू तोलने हैं तो हमने यहाँ पर 2 किलो का बाट रख दिया और यहाँ पर हम आलू रखते जाएंगे। कब तक रखेंगे? जब तक ये दोनों बिल्कुल बराबर ना हो जाएं, ठीक है। जो तराजू है उसके पलड़े बिल्कुल बराबर हो जाएं तब तक हम इसमें रखेंगे, ठीक है। और अगर जब ये बराबर हो जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये कितने के हो गए आलू, इनका वज़न हो गया 2 किलो, ठीक है। तो इस तरह से हम तराजू में तोलते हैं। तो पहला प्रश्न आपने पढ़ा, यही पूछा गया है कि 4 किलो दुकानदार ने कैसे तोला होगा। तो देखो बच्चों, दुकानदार ने
तराजू के एक पलड़े में 5 किलो का बाट रखा होगा और दूसरे पलड़े में 1 किलो का रखा होगा और फिर उसने उसमें चावल डालने शुरू किए होंगे। और वो कब तक चावल डालेगा? तब तक जब तक ये दोनों एक ही लाइन में बिल्कुल बराबर ना हो जाएं। देखो, उसने यहाँ पर तब तक चावल डाले होंगे जब तक ये दोनों इस तरह से बिल्कुल एक लाइन में बराबर ना हो गए हों। और इससे क्या हुआ होगा? इससे यहाँ पर कितने चावल आ गए होंगे? 4 किलो चावल, क्योंकि एक तो यहाँ पर पहले ही रखा था बाट, और ये बराबर तभी आया होगा जब यहाँ पर 4 किलो चावल आए होंगे, क्योंकि 4 और 1 को आप जमा करोगे तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। 4 और 1 को जमा करोगे तो 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 kg और यहाँ पर भी 5 kg, और चावल कितने निकले होंगे? 4 किलो। तो दुकानदार ने गोविंद को ये चावल निकाल कर दे दिए होंगे। तो बच्चों, इसका क्या उत्तर होगा? आप इसको लिख सकते हैं, दुकानदार ने एक ही बार में 4 किलो चावल तोलने के लिए 1 किलो और 5 किलो के बाट का इस्तेमाल किया होगा। उसने 1 किलो के बाट और 4 किलो चावल को एक पलड़े में रखा होगा और 5 किलो के बाट को दूसरे पलड़े में रखा होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलो, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दुकानदार इन्हीं बाटों का प्रयोग करके किस प्रकार एक ही बार में 18 किलो वजन के माप की चीज़ें तोलता होगा? सोचिए और लिखिए। बच्चों, दुकानदार ने गोविंद को बताया था ना, क्या बताया था? कि मैं 1 से 18 किलो तक का वज़न तोल सकता हूँ। तो आपसे यही पूछा गया है, वो ऐसा कैसे करता होगा? तो बच्चों, वो क्या करता होगा? अगर मान लो उसको 18 किलो चावल तोलने हैं, तो वो चावल यहाँ डालता जाएगा और यहाँ पर वो सारे बाट रख देगा। सारे क्यों? सारे कौन कौन से हैं उसके पास? 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का और 10 किलो का। ये सारे अगर यहाँ पर रख देगा तो ये मिलकर बन जाते हैं 18 किलो, है ना? और यहाँ पर वो चावल डालता जाएगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मतलब हो गया कि ये है 18 किलो चावल, है ना? तो वो सारे बाटों का इस्तेमाल एक साथ करता होगा। तो आप उत्तर में क्या लिख सकते हैं? दुकानदार एक साथ चारों बाटों का इस्तेमाल करके 18 किलोग्राम के वज़न की चीज़ों को तोलता होगा। और फिर हम यहाँ पर जोड़ कर दिखा देंगे, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 किलो, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 18 किलो। आप जोड़कर ज़रूर देखेंगे। चलो, अब ये हो गया आपका आंसर सेकंड। अब हम आ गए थर्ड क्वेश्चन पर। अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट होते तो वह एक ही बार में कितने किलो तक का सामान तोल पाता? सोचिए और लिखिए। तो बच्चों, अभी तो उसके पास ये बाट है, सब एक 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 हैं। ये 1 किलो का भी एक, 2 का भी 1, 5 का भी 1 और 10 का भी 1। अब आपको बोला गया है कि उसके पास अगर 10 किलो के 2 होते और बाकी सारे एक एक, तो वो कितना वज़न तोल पाता? आपको यही बोला गया है कि ये 1 किलो का और फिर 2 किलो का और ये 5 किलो का और 10 के होते उसके पास 2 बाट, है ना? ये 1 10 का हो गया और ये दूसरा, तो वो कुल कितना तोल पाता? तो आप इन सबको जोड़ देंगे, बस 1, 2, 5, 10 और 10, इनको जोड़ेंगे तो कितना किलो हो गया? ये हो गया 28 kg, 28 किलो, ठीक है बच्चों? तो वो इतना वज़न तोल पाता। इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि अगर दुकानदार के पास 10-10 किलो के 2 बाट होते तो वह एक ही बार में 28 किलो तोल पाता, ये लिखेंगे, ठीक है? अब आपका लास्ट क्वेश्चन। घर में रखे हुए सामान से तराजू बनाने का प्रयास कीजिए
और उससे सामान तोलने का खेल खेलिए। तो बच्चों ये तो बड़ा ही मज़ेदार है। आप एक तराजू बनाएंगे, ठीक है? कैसे बना सकते हैं? आप यहाँ पर धागा लगा सकते हैं, इसकी जगह आप दो कटोरियाँ ले सकते हैं, है ना? और यहाँ पर आप कोई भी डंडा ले सकते हैं जिससे आप धागा बांधकर और यहाँ पर आप कटोरी लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है? सोचिए और बनाइए, लेकिन ध्यान रहे से नो टू प्लास्टिक्स, ठीक है? प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप इस तरह से तराजू बनाइए और उससे आप अलग अलग चीज़ें जो आपके पास हैं उन्हें नापने का खेल खेलिए। तो बच्चों आप ये क्वेश्चंस कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटोज़ सेंड कर दीजिए, ठीक है? तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।